देख यार, दुकानदार बेईमानी कर रहा है। ये लो भाई, 1 किलो चावल। एक किलो लाग तो नहीं रहे। अरे भाई, तुम्हारे सामने तोलता हूँ, ये देखो। ठीक है भाई, पूरे हैं। चल इस कमीने को सबक सिखाते हैं। वो कैसे? तू चल तो सही। अब तुम चुप रहना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपके पास सेफगार्ड साबुन है? जी जी है। उसके साथ हाथ धो के 1 किलो चीनी दे दो। रुको, पहले 1 5 किलो वाला शापर ले आओ। अच्छा ले भाई, आ गया तेरा शापर। अब इसके अंदर 1 किलो चीनी डाल। अच्छा। उम्र सारी। हाँ, मकनातीस ना लगाना, मैंने पहले ही देख लिया है। नहीं भैया, मैं तो इधर रख रहा था। एक किलो चीनी आ गई भाई, और बताओ। अब इसी शापर के अंदर 1 किलो चने की दाल डाल दे। क्या? ओ बाबा, सठिया गया है क्या? इसी शापर के अंदर दाल डालनी है? ओ हाँ हाँ पुत्र, इसी शापर के अंदर दाल भी मिक्स कर दे। अच्छा, ये चीनी के अंदर दाल क्यों मिक्स करा रहा है, पता नहीं। ओ बाबा, एक बार फिर सोच ले, चीनी के अंदर दाल मिक्स करनी है? हाँ हाँ, डाल दे तू। ये ले। ओ बस रुक तो जा, आप इसके अंदर 1 किलो चावल डाल। चावल भी इसमें डालने हैं? हाँ हाँ। बन क्या रहा है वैसे ये? ओ भाई, तू चुप करके मेरा सौदा तोल। चावल भी? ओ हाँ भाई। ले भाई, तेरा 3 किलो का आइटम। ओ बहुत जल्दी है तुझे, बाजरा है तेरे पास? हाँ है ना। वो भी 1 किलो इसके अंदर डाल दे। हाँ हाँ डाल दे। यार समझ नहीं आ रही इस बंदे की, बाजरा भी मिक्स करवा रहे। यार तू कर क्या रहा है, समझ मुझे भी नहीं आ रही। बस तू देखता जा। ये ले भाई, तेरे 4 आइटम पूरे हो गए। पैसे कितने हो गए? 2400। अच्छा भाई, बात ऐसे है, ये सौदा उधार लेके जा रहा हूँ, खाते पे लिख देना। क्या 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 उधार दे दूँ? मैं तो तुझे जानता भी नहीं। उधार उधार नहीं है, पैसे निकाल। अरे दे दे बेटा, पैसे नहीं है मेरे पास। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं पैसे दे दूंगा। ना बाबा, उधार की माँ मर गई है, मुझे पैसे दे के जा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी हो। ये पकड़ अपना सौदा, अब करते रहना इनको अलग अलग। और रुको बाबा, यार ये तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? दाल, बाजरा, चावल, चीनी, ये मैं कैसे अलग करूँगा? इसलिए तो कह रहा हूँ उधार दे दे। वैसे भी इन 4 चीजों का मिक्सर तुझसे कौन ही लेने वाला। ठीक है ले जाओ। बात सुनो, ये बाजरा, दाल, चीनी, चावल तूने मिक्स तो करवा लिया, इसका करेगा क्या? ओ बेटा, बेरोजगार आदमी हूँ, घर वेला बैठा रहता हूँ, इनको अलग करता रहूंगा। ऐसे बंदों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। चलो